यूपी की गलियों में आज फिर तिरंगा यात्रा निकली। दो जिलों में सब शांत रहा, लेकिन शाहजहांपुर में यात्रा निकाल रहे दो युवकों पर हमला हो गया। यूपी के दो जिलों में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ। आगरा में बिना इजाजत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जबकि फिरोजाबाद में पुलिस ने तिरंगा यात्रा रोक दी। आगरा और फिरोजाबाद दोनों जिलों में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश हुई। आगरा में वीएचपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन फिरोजाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा नहीं निकाल पाए। वीएचपी की मांग है कि चंदन को शहीद का दर्जा, 50 लाख का मुआवजा मिले। आगरा के 40 अलग अलग जगह पर यात्रा निकाली गई, डीएम को ज्ञापन दिया गया। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे। सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार लोगों ने यात्रा निकाली। इससे पहले कल अमेठी में हिंसा में दो लोगों की मौत के बाद तनाव अब भी बना हुआ है। मांग यही है कि वहां पर जो कासगंज में जो भी घटना हुई उसकी जांच ढंग से हो और जो भी दोषी उनके विरुद्ध कार्रवाई। बाकी ज्ञापन पढ़ के डिटेल्स जो है उसी में लिखी हुई है, अभी हमने ज्ञापन पढ़ा नहीं है। डीएम साहब और मेरे द्वारा यहां पर ज्ञापन ले लिया गया है और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय हम प्रेषित कर देंगे, जो भी इनकी मांगे उनसे अवगत करा देंगे।